फोर प्लस सिक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा कौन बताएगा? बताओ सर, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी अपॉन फोर प्लस सी। शाबाश जहान, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ जहान। सर एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन, तो फिर फाइव बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी अपॉन फाइव बाई टू टू, ये उल्टा हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके देन देन का क्या नेक्स्ट बताओ, कौन बता रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ कार्तिके बता रहा है, वन अपॉन एक्स सिक्स कार्तिके, देन का मतलब वन अपॉन एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स सिक्स, एक्स एक्स पर माइनस सिक्स का होगा एक्स का, हाँ माइनस ना एक्स रेस टू पावर माइनस फाइव अपॉन, पहले बच्चों इसको लिखो माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सिक्स वन अपॉन एक्स एस, वही बोला मैंने। दिस इज एक्स टू द पावर माइनस फाइव डिवाइडेड माइनस फाइव प्लस सी। ठीक है, आप इसको वन अपॉन माइनस इंटू एक्स टू द पावर फाइव प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्जुन। अर्जुन यस सर, बाकी लोग अपना नोटबुक पे करो, अर्जुन बता रहे हैं। एक्स पावर सर ये ऊपर जाके एक्स पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या बस एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन सर, एक्स पावर हाफ गुड अपॉन हाफ ये एक मिनट प्लस सी, ये जब इंटीग्रेट करेंगे पावर एक बढ़ जाएगी, माइनस हाफ में आप वन ऐड करोगे तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये साइन हट जाएगा, डिवाइडेड बाय हाफ प्लस प्लस सी सर, तो ये टू एक्स टू रूट एक्स पावर हाफ प्लस। देवेश यस, देवेश रूट एक्स सर ये वन ये रहेगा रूट एक्स टू द पावर क्या होगा बताओ, बताओ देवेश। हाँ सर, तो इसके अंदर पहले बेटा इसको लिखेंगे पावर बना के, अच्छा फिर उसके बाद ठीक है सर, सर फिर तो ये एक्स ये कार्ड हाँ और तो प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन और रेसिप्रोकल हो जाएगी प्लस सी। ठीक है, समझ आया? यस। ये बताओ एक्स रूट एक्स जहान, एक्स रूट एक्स जहान सॉरी हो जाएगा सर, एक्स अपॉन तो ये जो वाला स्टेप है उसको
दिखाना होगा फिर ऐसे ही है बेटा, रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा एक्स टू द पावर 3/2 अब इसका इंटीग्रेशन करो, पावर 3/2 + 1/5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/2 + c, पावर एक बढ़ जाएगी, नई पावर से डिवाइड कर दो, थोड़ा और सिंपलीफाई करके लिखते हो तो 5/2 x^5/2 + c, नेक्स्ट इज ये बताओ बच्चों x अपॉन रूट एक्स, कार्तिक हाँ ठीक है सर, x को आप x अपॉन x स्क्वायर माइनस रेशियो पर हाफ लिखोगे, जो होता है एक्स रेशियो पर 1 - 1/2, जो एक्स रेशियो पर माइनस हाफ होगा, और फिर नॉर्मली करना है जो एक मिनट, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है, पावर माइनस हो जाएगी, हाँ तो माइनस हाफ ही तो बचेगा, सॉरी वो हाफ बचेगा, हाँ तो हाफ आएगा, हाँ सॉरी सर, फिर आप नॉर्मली करना है जो एक्स रेशियो पर 1/ नॉर्मली नहीं करना बेटा, इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में नॉर्मली कि हाफ एक्स रेशियो पर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी, तो हाफ प्लस वन कितना होता है 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इन 2 अपॉन 3 + c, देवेश को आवाज आ रही है? यस सर, एक सेकंड यार, यहां तक किसी को डाउट अर्जुन? नहीं सर, ओके नेक्स्ट इज ये बताओ, ये सिक्स्थ रूट है, ये ऐसे लिखा है बच्चों सिक्स्थ रूट, सिक्स यहां पर है, सिक्स्थ रूट है ये, ध्यान रहे, कौन बताएगा? अर्जुन सर, वो एक्स टू द पावर 1/6 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/6 हो जाएगा, वेरी गुड, फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू द पावर 7/6 अपॉन 7/6 प्लस सी, और ये हो जाएगा 6/7 + c, ठीक है, समझ आया? चलो आगे, चलो बच्चों, यस सर, अगर आपके पास ऐसे आ जाता है तब क्या करेंगे आप? सर ऊपर एक्स कॉमन ले लो, ऊपर एक्स कॉमन ले लो, एक्स और एक्स ऐसा कर दो कि अलग 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 लिख दो, ठीक है, या ऐसा कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ठीक है बच्चों, नहीं समझे सर, लास्ट वाला कैसे करना है, एक्स प्लस वन एक्स केस एक्स कटा तो यहाँ एक्स बचेगा, अच्छा तो वन बचेगा, वन बचेगा, अगर एक से ज्यादा टर्म प्लस या माइनस में है तो बच्चों सबका इंटीग्रेशन होता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
प्लस वन का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? वन का इंटीग्रेशन अर्जुन कौन बताएगा? सर बोलो, वन का इंटीग्रेशन। चलो वन को ऐसे लिख दो, एक्स की पावर जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? पावर एक बढ़ाओगे, जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन, तो ये होगा एक्स की पावर वन डिवाइडेड बाय वन ही आ गया। एक वन को लिखा एक्स की पावर जीरो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक इंक्रीज करेंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे तो पावर होगी जीरो प्लस वन, डिवाइड भी नई पावर से करेंगे तो जीरो प्लस वन से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन वन यानी कि एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा एक्स आ गया तो वन का इंटीग्रेशन अकेला कांस्टेंट है बेटा, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, रट्टा मारो, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। बट फिर अगर वन नहीं होता तो? नहीं होता के क्या मतलब है? मतलब लाइक एक्स प्लस टू होता तो? टू होता तो टू के साथ में वन लिख लेते, ठीक है, और इस वन को एक्स, टू एक्स। और वन का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, टू का क्या करना है वो, टू का क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes. अच्छा, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? के इंटू डी एक्स। तो इस के को तो बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा वन इंटू डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, एक्स, ठीक है। अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो कैसे होगा? के इंटू वन डी एक्स लिख लेंगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस में सी। तो सीधा आप याद रखो, जब अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ एक्स लग जाता है। अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट के साथ एक्स लग जाता है। अगर आप फाइव फाइव को इंटीग्रेट कर रहे हो तो फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव एक्स प्लस सी। अगर आप थ्री को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या होगा, थ्री एक्स प्लस सी। अगर आप टू को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या होगा, टू एक्स प्लस सी। अगर आप सेवन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या होगा, सेवन एक्स प्लस सी। समझ गए? हाँ सब। बट अगर वहां पे यहाँ पे एक्स प्लस टू होता तो? एक्स प्लस टू खाली नहीं है, खाली है टू तो, x का इंटीग्रेशन हो गया मतलब by 2, खाली 2 का इंटीग्रेशन करना है, 2 खाली तो है, ठीक है। हाँ बट सर आपने पहले x का इंटीग्रेशन किया तो इसमें प्लस c नहीं होना चाहिए? बेटे सुनो मेरे प्यारे से बच्चे, आप चुप हो जाओ और मुझे बोलने दो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इनटू dx, तीन टर्म है। तो बच्चों इसका बेसिक जो मेथड होता है वो क्या होता है कि आप एक इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे और इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन सब पे सेपरेट होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस आप लिखेंगे सी वन, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में आप लिखेंगे सी टू, अकेले कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन आप करेंगे लिखेंगे एक्स, मतलब टू के साथ एक्स लग जाएगा प्लस में आप लिखेंगे सी थ्री, उसके बाद एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तीन कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे जिसको लिखेंगे सी, ठीक है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ गया और उसको लिख दिया सी, ठीक है। इतना कुछ कोई नहीं करता है, इतना कुछ करना भी नहीं होता है, तो सीधा क्या लिखेंगे सी, ठीक है, समझ गए?
तो सीधा आप यस सर, सीधा आप ये स्टेप करेंगे कि बीच का कुछ नहीं करना, वो सिर्फ बस सिखाने के लिए होता है। अब जब वो करना ही नहीं तो उसको सिखाने का फायदा भी नहीं, ठीक है? सही कह रहे हो। अब मैं कुछ भयानक भयानक फार्मूले लिखता हूँ, कल वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अभी तक मैंने आपको ये बताया कि x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर एक कंडीशन और होती है बच्चों जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता है क्या होगा। यहाँ देखो, अगर n माइनस वन हुआ तो यहाँ देखो, माइनस वन हो तो माइनस वन प्लस वन नीचे जीरो बन जाएगा, जो एक्सेप्टेबल होता ही नहीं मैथमेटिक्स में। नीचे जीरो का तो आंसर ही नहीं होता, कोई नॉट डिफाइंड होता है, तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी आपके इंटीग्रेशन में पावर माइनस वन नहीं हो। अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स की पावर माइनस वन, और आपने कर दिया एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस वन प्लस में सी, तो ये आ गया एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाई जीरो प्लस में सी, ये हो गया नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये गलत हो गया, तो ये नहीं होता है बच्चों, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब एक्स की पावर माइनस वन नहीं हो। ऑल राइट? यस यस सर। चलो कहाँ थे हम? हाँ, तो एक तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, और ये कब अप्लाई करते हैं, जब पावर क्या हो, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। बच्चों e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e x ही रहता है, जैसे e का डेरिवेटिव भी e x रहता है ना, इसी टाइप से e x का इंटीग्रेशन भी e x ही रहता है। a टू द पावर x dx, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या, अच्छा ये तो लिखवा दिया, वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस वन लिख पड़ा ना, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। देखो आप log x का इंटीग्रेशन करोगे, log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log x आएगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा, ठीक है? तो ये चारों फार्मूले सबने लिख दिए, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस सी, ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो देखो बच्चों,
अगर आपके पास आ जाए 5 e to the power x dx, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको किसका करना है? सिर्फ ex का करना है, सिर्फ ex का इंटीग्रेशन करना है। तो ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? ex का तो ex ही रहता है, तो क्या हो गया? ex plus c, जैसे into 5 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन पूरा होता है ना, ex plus c पूरा मल्टीप्लाई करता है, c पूरे के प्लस में होगा। लिखना है, सब लिखना है। 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 टू पावर x अपॉन log x plus c। हाँ, a टू द पावर x वाला रूल लगेगा इस पे। 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log of a, a मतलब 2 प्लस में c, a टू 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c, ठीक है। अकेला मान लो 5 अपॉन x आ गया dx, तो 5 बार आ जाएगा 1 अपॉन x dx, ठीक है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ x प्लस c, ठीक है। ऐसे करना है बच्चों, करो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स 3 टू द पावर एक्स प्लस में 4, करो इसका इंटीग्रेशन। कर लिया। सो वो 3n है कि x है? 3 टू द पावर x, सर हो गया। बताओ जहां क्या आया? तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x प्लस 3 रेस टू पावर x अपॉन log 3 प्लस 4 है प्लस सी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका करो बच्चों जरा। रूट एक्स प्लस दिस, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। देवेश क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? शाबाश। रूट एक्स, रूट एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स टू द पावर हाफ, 1 अपॉन एक्स पे एक्स टू पावर हाफ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का भी हाफ, उसका भी ऊपर एक्स पावर हाफ कर देंगे, माइनस हाफ। ये एक्स एज इट इज रहेगा। करो बच्चों अब इंटीग्रेशन। धरती के कहाँ चले गए? कार्तिक जब आपके लैपटॉप में आप कोई और स्क्रीन खोलोगे तो आपका वीडियो बंद हो जाता है ना सर? वो अब नहीं होता भाई, तो अपडेट आ गया। नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं सर, मैं आपको दिखा दूं। आईपैड में जब आप जूम क्लास कर रहे हो, जब आप और कोई स्क्रीन खोलते हो ना, तो वीडियो ऑफ हो जाता है ना? मैंने अभी खुला, आपको अभी ऑफ नहीं होना। मैंने अभी खुला, आपको ऑफ हुआ?
नहीं था कार्तिके का पता लग जाता है कार्तिके कुछ क्या कर रहा है सर मैं अभी आपको खोला अभी सामने आपके दिखाएंगे बट मैं वीडियो भेजूंगा चलो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तब मानेंगे कि आपने खोला है ठीक है सर करो आपको दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर अलाउ नहीं मुझे अभी नहीं तो सेटिंग पे जाके प्राइवेसी पे जाके अलाउ स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा अलाउ है बेटे अलाउ है हो गया okay. आज तो पता लग जाएगा कार्तिक का नहीं हुआ ना शुरू से कर रहा हूँ सही स्टार्ट ब्रॉडकास्ट देखो सर मैं लिया मैंने ये खोल दिया और मेरी वीडियो का ऑन है बटन हाँ है तो सही ठीक है दिख रहा देखो सर वीडियो सही सच सर अब ये फीचर आ गया इसका मतलब चलो बंद तो कर दो कर दिया सर कर दिया सर स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं हुआ सर हो गया इसका हो गया सर तो मेरा यहाँ से वो ऑप्शन ही उठ गया ये सब हो गया सबका